हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक से आता हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे विंटर सीजन में किस तरह फिशेस को केयर करते हैं। हालांकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह फिशेस को केयर करते हैं विंटर सीजन में, तो यहाँ पर लिंक आ रही है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे भाई अपडेट वीडियो बनाओ कि किस तरह फिशेस को केयर करते हैं विंटर सीजन में, तो थोड़ा डिफरेंस रहेगा क्योंकि हर बार एक नया अपडेट आता रहता है। इसलिए मैं आज एक अपडेट वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह आपकी फ़िशेस को केयर करते हैं विंटर सीजन में। विंटर यानी बारिश के दिनों में या ठंडी का मौसम कहते हैं, क्योंकि अभी बेंगलोर में बहुत बारिश चल रही है। अभी ठंडी का मौसम शुरू हो चुका है, अभी नेक्स्ट महीना 2-3 महीने, अभी 2-3 महीने जो है सर्दी का मौसम बाकी रहेगा। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है, आप सब जानते हैं। जैसा कि लेकिन थोड़े फिशेस हैं जैसा कि बेटा फिश है, गोल्ड फिश है, गोरामिस है, प्लेको फिश है, इस तरह के फिशेस जो है विदाउट हीटर भी रह जाते हैं, उनको हीटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन थोड़े फिशेज ऐसे हैं जैसा कि सिचलेट्स हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, डिस्कस फिश है, सिचलेट्स हैं, इस तरह के बहुत सारे फिशेस हैं जो ट्रॉपिकल होती हैं और जो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो ऐसे फिशेस क्या होते हैं, अगर टेम्परेचर में थोड़ा ड्रॉप हो जाए तो फिशेस को उनको प्रॉब्लम हो जाती है। इवन अगर गोल्ड फिश को भी कभी कभी क्या होता है, उनको सर्दी के मौसम में क्या होता है, उनको वाइट पिंपल्स हो जाते हैं, उनके ऊपर वाइट डॉट्स आ जाते हैं, फंगस जमा हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे बीमारियाँ लग जाती हैं। तो उस वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है सर्दी के मौसम में, अगर आपके पास नहीं है तो भी लेना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा एक्वेरियम साल्ट, आपके पास कभी भी लेकर रखना है, बहुत ज़रूरी है विंटर सीजन में सर्दी के मौसम में। और ब्लू लिक्विड का, जिसे एंटी एज भी कहते हैं या फंगस लिक्विड भी कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे नामों से पहचाने जाते हैं ब्लू लिक्विड, ये भी ख़रीदना है। और ऑफ कोर्स आपको रखना है हीटर, हीटर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते थे, मेरे पास हीटर नहीं है, किस तरह फिशेस का ध्यान रखूँ विंटर सीजन में। देखिए, विदाउट हीटर आप अपनी फिशेस को कहीं भी ध्यान नहीं रख सकते, किसी भी दूसरा ऑप्शनल नहीं है कि आप विंटर्स के सीज़न में सर्दी के मौसम में हीटर के बगैर आपकी फ़िशेस को केयर करें। इससे क्या होगा, आपकी फ़िशेस मर जाएगी, क्योंकि दिन में क्या होता है टेम्परेचर जो है बहुत कम रहता है, लेकिन नाइट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, कभी कभी 18-17 तक चले जाता है, इससे आपकी फ़िशेस को प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले क्या आपको करना है, इन तीन चीज़ों के साथ अब एक चीज़ रखना है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे टैंक में इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये थर्मामीटर, थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसी से मालूम कर सकते हैं कितना आपका एक्वेरियम का टेम्परेचर है, क्योंकि आप जाने बगैर आप नहीं पता चलेगा कि आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर जो बढ़ाना है या घटाना है या सही है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे थर्मामीटर मिलते हैं। ये तो ग्लास वाला है, आपको थर्मामीटर डिजिटल वाला भी मिल जाएगा, स्केल वाला भी मिल जाएगा, बहुत सारे अनेक जो है एक्वेरियम्स के अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर मिल जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सर्दी के मौसम में हो या गर्मी के मौसम में आपके एक्वेरियम के अंदर डाल दें, 70-80 रुपये में मिल जाता है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं आप, लाकर 100-200 के फिशेस इसी तरह मर जाते हैं प्रॉपर केयर ना होने की वजह से। अगर उसके बदले में आप लाकर कोई थर्मामीटर, इस तरह की चीज़ें लाकर रख लेंगे, तो आपकी फ़िशेस भी बच जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे। थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है, थर्मामीटर, ब्लू लिक्विड, एक्वेरियम साल्ट और हीटर, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब चलिए इसके बारे में हम मालूम करते हैं कब कब इस्तेमाल करना है। देखिए, आप हफ्ते में एक बार 20% पानी चेंज करना ही है आपको। सर्दी के मौसम में क्या कर सकते हैं आप, 15 दिन में एक बार 20% पानी चेंज करें काफ़ी है, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे आप पानी चेंज करते रहते हैं 20% हफ्ते में एक बार। अभी सर्दी का मौसम आ गया है तो आप 15 दिन में एक बार 20% पानी चेंज करें काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पानी चेंज होने की वजह से आपकी फ़िशेस को इफेक्ट हो जाता है, आपके फ़िशेस के ऊपर उसकी इफेक्ट पड़ता है, डिसीज़ हो जाता है, इस तरह होता है। अगर आपकी फ़िशेस को वाइट स्पॉट हो गए हैं, समझे आपकी फ़िशेस जो है स्ट्रेस हो गई है, वाइट पिंपल्स हो गए उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर फंगस वाइट रूइन जैसा लग गया कुछ, या उसके ऊपर पिंपल्स हो गए हैं या वाइट डॉट्स हो गए हैं उसके बॉडी के ऊपर, या आपकी फ़िशेस स्ट्रेस हो गई है, तब आप थोड़ा ब्लू लिक्विड डालना है। ब्लू लिक्विड कब इस्तेमाल करना है, आपकी फ़िशेस को कुछ दिक्कत हो गई है, या आपकी फ़िशेस को जैसा मैंने कहा कि फंगस हो लग गया है या वाइट स्पॉट हो गया है, आपकी फ़िशेस आकर ऊपर ही गैस्पिंग ज़्यादा करती है, फ़िल्टर चालू है आपका, हीटर भी आपका फ़िल्टर और एयर पंप दोनों चालू, फिर भी आकर ऊपर गैस्पिंग करती रहती है पानी के ऊपर, तब आप ब्लू लिक्विड करना है, क्योंकि उसके गिल्स के अंदर, उसके अंदर जो है गिल्स के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये डालने से आपकी प्रॉब्लम, आपकी फ़िशेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको डालने का तरीका क्या है, आपको पर गैलन एक ड्रॉप डालना है। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ये टैंक जो है 3 फीट का है, तो ये 20 गैलन का हो गया। अगर 1.5 फीट का टैंक है तो अप्रॉक्सीमेटली जो है लगभग 10 गैलन का हो गया।
तो इस तरह इसमें 20 ड्रॉप डालना है तो आप 20 ड्रॉप मत डालें क्योंकि ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी फ़िशेस एक ही अगर सिक है तो सब दूसरे फिशेस को भी इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आप 3 फीट के टाइम में 10 ड्रॉप डालें काफ़ी है। उसके साथ एक दो साल दो स्पून एक्वेरियम साल्ट डाल दें और हीटर चालू रखें। हीटर जो है नॉर्मली आप नॉर्मली 26 रखें आप या 28 भी रख सकते हैं, 28 रखें बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछली बार मुझे कश्मीर से एक कमेंट आया था कि हमारे व्यूअर्स जो है लास्ट साल मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर जो है विंटर सीजन में बिलो यानी -6 या -7 तक चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी दिन में ऐसा होता है, तो ऐसे जगह पर क्या करना है आपको 28 टेम्परेचर रखना है, 28 पे सेट कर दिन और रात हमेशा ऑन रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी कभी क्या लोग दिन में ऑन रखते हैं नाइट में ऑफ़ कर देते हैं, या दिन नाइट में ऑफ ऑन करके दिन में ऑफ़ कर देते हैं, इस तरह मत करें। विंटर सीजन में सर्दी के मौसम में बारिशों के मौसम में आप कभी भी ऑन रखना है, 28 पे सेट कर दें, सेट करके कहीं भी लगा दें। आप चाहे तो कॉर्नर में लगा सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो पानी के अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्योंकि पानी फ्लो होगा तो उसको टच होते हुए फ्लो होगा, या आप फिल्टर के बगल में भी लगा सकते हैं ये आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर या अपोजिट क्रॉस सेक्शन में मत लगाए, अपोजिट में लगाए या साइड में लगाए, इससे पानी जो है रोटेट होता रहेगा गर्म पानी। तो आप इस तरह ख़रीद लें, एक 3 फीट की टैंक के लिए आप 200 वैट्स का या 100 वैट्स का लगा सकते हैं, 1.5 फीट की टैंक के लिए 50 वैट्स का काफ़ी है, 1 फीट की टैंक के लिए 25 का काफ़ी है। और बॉल की बात करें तो बॉल को आप कोई भी एक हीटर नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो बहुत कॉस्टली है, तो उसके ऊपर आप एक बल्ब लगा दें जिससे वो पानी गर्म रहेगा, हीटिंग लैम्प की तरह, जैसा कि टर्टल को मैंने लगाया हुआ है, सर आप एक हीटिंग लैम्प उसके ऊपर लगा दें जिससे पानी जो है गर्म रहेगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ब्लू लिक्विड, एक्वेरियम साल्ट और थर्मोमीटर, ये 4 चीज़ें लेकर खरीद लें। अगर एक भी आपके पास नहीं है तो ज़रूर कोशिश करें कि लेकर रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपकी फ़िशेस को लाकर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी फ़िशेस लाकर रखें उनकी प्रॉपर ध्यान ना हो मर जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि आपके पास फ़िशेस हैं उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप फ़िशेस के लिए लाकर ज़रूर रखें। आपके पैसे ऐसे ही चले जाते हैं, एक फ़िशेस मर गई दो फ़िशेस मर गई तो वही पैसे चले जाते हैं, उसमें लाकर रखना है। अप्रॉक्सीमेटली आपको एक्वेरियम साल्ट 120 रुपये में या 150 रुपये मिल जाएगा, ये जो है थर्मोमीटर 80 रुपये से मिल जाएगा, और ब्लू लिक्विड का कॉस्ट जो है ब्लू लिक्विड आपको ये 20 से 30 रुपये से मिल जाएगा, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली पूरे चीज़ें आपको 200-300 रुपये मिल जाएगी, आप लेकर रखें कोई दिक्कत नहीं है, आपके जितने भी फिशेस हो पूरे सेफ रहेंगे। अगर इस तरह नहीं करेंगे आपकी फिशेस मर जाएगी तो पैसे उधर ही लॉस हो जाएंगे, आप जहां बचा रहे हो। तो ये तरीका था मैं इस किस तरह फिशेस को मैं केयर करता, और हफ्ते में पहले मैं नॉर्मल टाइम पे 20% पानी चेंज करता था, अभी 15 दिन में एक बार पानी चेंज करता हूँ, और पानी चेंज करने का तरीका तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर लिंक आ रही है, जाकर दे सकते हैं किस तरह उसको पानी चेंजेस करना है, पानी किस तरह आपको तैयार करना है चेंज करने से पहले, तो उसको जाकर फॉलो कर लें। और हाइडिंग प्लेस ज़्यादा रखें, क्योंकि हाइडिंग रहना पसंद करती हैं फिशेस, हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें, विदाउट हाइडिंग प्लेस फिशेस को मत रखें, क्योंकि आपकी फिशेस स्ट्रेस हो सकती है, थक सकती है, इसलिए हाइडिंग प्लेस रखें। तो सर्दी के मौसम में फ़िशेस जो है फूड खाना बहुत कम कर देती है, आप सब ये कंप्लेंट करते हैं कि आप मेरी फ़िशेस जो है बहुत कम खा रही है, ये नॉर्मल है, क्योंकि सर्दी में क्या है फ़िशेस के मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म यानी हाजिमा जिसे कहते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है वो स्पीड जो है उसकी कम हो जाती है, इससे क्या होता है फ़िशेस जो है कम फूड खाते हैं, जितना टेम्परेचर लो होगा उतना फ़िशेस कम खाना खाएगी, जितना हीटर ज़्यादा होगा उतना फूड ज़्यादा खाएगी, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा हीटर रख दो आपकी फ़िशेस को भूखा कर दो, ज़्यादा फीड दो ताकि वो बड़ी हो जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हीटर रखने से भी आपकी फ़िशेस मर सकती है, इसलिए 28 एवरेज जो है मैक्सिमम है, वो भी सर्दी के मौसम में, वरना नॉर्मल टाइम पे आप 26 ही रखें काफ़ी है, 28 रखें, और 30 कब रखते हैं जब 30 पे कब रखते हैं जब आपकी फ़िशेस को ट्रीटमेंट करना हो तब भी आप 30 रखना है, तो 28 रखें, 28 रखकर आपकी फ़िशेस को इस तरह ध्यान रखें, और हीटर का कभी भी ऑन रखें, थर्मामीटर के ऊपर ध्यान रहे आपका, क्योंकि नाइट में बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाता है, और सडन टेम्परेचर जो है नीचे या ऊपर चले जाने से, ड्रॉप होने से या हाई हो जाने से आपकी फ़िशेस को बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, फ़िशेस मर भी सकती हैं, इसलिए ज़्यादा एकदम गिरने ना दें आपके एक्वेरियम का जो है हीटर को, टेम्परेचर को ज़्यादा गिरने भी ना दें, ज़्यादा बढ़ने भी ना दें, एक एवरेज में एक मीज़ान में रखें, एक एवरेज के हिसाब से रखें, वरना आपकी फ़िशेस को प्रॉब्लम हो सकती है। सो और अगर आपके पट पॉन्ड्स है, आप बाहर फिशेस रख रहे हैं, बैक यार्ड में घर के पीछे पॉन्ड बनाए हैं, तो बेहतर है कि आप विंटर सीजन में बारिश के सीजन में इसको लाकर अंदर रख दें, टेम्प्रोरी एक टैंक बना लें, एक बड़ा टैंक बनाकर उसके अंदर रख दें, या हो सकता है वही अगर आप ला नहीं सकते अंदर, बहुत ज़्यादा फिशेस हैं, तो उसके ऊपर एक जाली के जैसा कुछ ऊपर रख दें जिससे बारिश का पानी डायरेक्ट ना पड़े, और उसके अंदर हीटर इंस्टॉल करें, इससे क्या होगा आपकी फिशेस सेव हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।